हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित है और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहजरे आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस मिस बलिदान में खुशी के साथ भाग ले, ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने का उत्तम एक माध्यम है मिसा बलिदान। हमारी सारी आवश्यकताएं प्रभु के चरणों में रखें और उस प्रभु का वचन स्वीकार करने और यीशु मसीह को आध्यात्मिक रूप में हमारे दिलों में स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रभु से क्षमा याचना करें हमारे गुनाहों के लिए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धनी मरियम से सब सर्वदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जी आप पर हो तक पौत्र वचन गिर सुना सके। पिता पुत्र और पौत्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 13 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य, यह आपका हृदय स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। जो आप लोगों में ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती बल्कि वह पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वह अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है,
वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य, प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य, प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य, प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य, प्रभु के आदेश सीधे सादे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष, आलेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु पहाड़ से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता और उसके अंग अखड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने का निवेदन किया परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, रे अल्पविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया, लड़का गिर गया और फिर उगलता हुआ भूमि पर लौटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ गया और बहुत से लोग कहने लगे, यह मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा
और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि दो प्रकार की ज्ञान है या बुद्धि है, और एक सांसारिक और दूसरा ईश्वरीय। और पाठ में हम लोगों ने देखा जिनको संसार की ज्ञान प्राप्त हुई है वे वहां पर लड़ाई झगड़ा होती है, उस बुद्धि से दूसरों को धोखा दिया जाता है, उस बुद्धि से दूसरों को मूर्ख बनाकर धन दौलत कमाया जाता है, संसार की बुद्धि से लोगों के विनाश होती है, और संसार की बुद्धि जहां पर है वहां पर घमंड है, अहम भाव है। संसार की बुद्धि जो है कपटी है, पक्षपात वहां पर होती है, और इस प्रकार के हर तरह की बुराई वहां पाया जाता है। हम लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे जीवन में ये अनुभव करते हैं कि दूसरों के साथ कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक दूसरों के साथ विनाश भी हो जाए मुझे कोई बात नहीं है, बस मुझे मेरा परिवार मैं हमें एक कंफर्टेबल लाइफ हमें मिलना चाहिए। तो गलत कार्यों के लिए इस प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल की जाती है, स्वयं की फायदा के लिए। यह बुद्धि दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती है, दूसरों का क्या हाल होगा, उनको क्या लगेगा, इसके बारे में कभी सोचता ही नहीं। लेकिन इसके विपरीत जहां ईश्वर से प्राप्त हुई बुद्धि है वहां पर शांति है, वहां पर पक्षपात नहीं है, पक्षपातहीन रहता है, वहां पर एक दूसरे की मदद होती है, एक दूसरे को प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, और एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वहां पर कपटता नहीं है, शांति प्रिय है, सबकी भलाई चाहते हैं, ये ईश्वरीय बुद्धि है। हम लोगों को हमारे जीवन में देखना चाहिए कि इस प्रकार का जो फल जो हमारे जीवन में है वो फल से हमें पता चलेगा, जो बुद्धि और ज्ञान हमें प्राप्त हुई है वो संसार से या ईश्वर से, या संसार का या ईश्वर का। तो प्यारे विश्ववासियों, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वह बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि हमें प्रदान करने के लिए। कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1:21 में पढ़ते हैं कि संसार की बुद्धि से ईश्वर को हम समझ नहीं पाएंगे। संसार की बुद्धि इस्तेमाल करने से ईश्वर को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे।
क्योंकि नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 वहां पर ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में दिन रात की अंतर है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, उतनी डिफरेंस दूरी ईश्वर की बुद्धि और संसार की सोच में है। और इसलिए हम उस ईश्वर की बुद्धि के लिए काम ना करें। सुलेमान काफी धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी सुलेमान ने प्रार्थना की प्रज्ञा के लिए, बुद्धि के लिए किससे प्रार्थना की? ईश्वर से प्रार्थना की। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सोलोमन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना इसलिए कि उन्हें पक्षपातहीन रहकर वे अपने प्रजा पर शासन करें, निष्कपट रहकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, स्वार्थी ना बनकर राज्य कर पाए। और इसी प्रकार की इच्छा रहकर सुलेमान को मालूम हुआ ये बुद्धि केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। तो आइए हम वही बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर हमें इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं, स्वार्थ नहीं, अशांति नहीं, कुछ भी नहीं है, ये आप चाहते हैं या ईश्वरीय ज्ञान चाहते हैं, हम वह प्रभु से प्रार्थना करें और उसे संचालित होकर हम अपना जीवन, दैनिक जीवन बिताएं। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए,
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा ही वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलो सिद्धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद याद डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से आलोकित करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त अनजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है उसका पल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके।
आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, ईश्वरीय बुद्धि से संचालित होकर जीवन बिताए। हमको बचाने आया जगत में।